आपने इंसान की MRI स्कैन होने की बात तो अक्सर सुनी होगी, लेकिन कभी किसी जानवर की MRI के बारे में शायद ही किसी ने सुना हो, वो भी एक जहरीले जानवर यानी कि एक सांप की MRI। जी हाँ, सही सुना आपने, मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र में एक घायल सांप की रीढ़ की हड्डी का MRI करवाया गया है। बता दें, इलाज के बाद अब सांप की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दरअसल तहसील में लोगों ने इस जहरीले सांप को लाठियों से मारकर घायल कर दिया था। सांपों को बचाने का काम करने वाले अनिल कुब्बल घायल सांप को एक स्थानीय अस्पताल में ले गए और उसका वहां पर इलाज करवाया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि सांप की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। सांप को किस हद तक चोट लगी है, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर ने उसकी MRI की।